हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नसवी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉयफुल टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है। यदि आप जेबीटी और बीएड से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, गणित का आनंदपूर्ण शिक्षण अधिगम किसे कहा जाता है। जो मैथमेटिक्स है वो हमारी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैथमेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है ये स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन फिर भी वो मैथमेटिक्स पढ़ते हुए उदासीनता का अनुभव करते हैं। उनको मैथमेटिक्स पढ़ने में कठिनाई आती है, वो मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में कैसे इंटरेस्ट ले, उनका मैथमेटिक्स में रुचि उत्पन्न करना, ये टीचर्स के लिए एक चैलेंजिंग वर्क होता है, एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। एज एजुकेटर्स हम लर्निंग को सीरियसली लेते हैं, लेकिन लर्निंग को स्टूडेंट्स के लिए भी सीरियस इशू बना देना सही नहीं है। अभी तक जो स्टडीज़ हुई है उनसे भी ये पता चला है कि जब स्टूडेंट्स को जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं और वो अधिक सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं। जॉयफुल टीचिंग के अंतर्गत स्टूडेंट्स को ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें कि स्टूडेंट्स हैप्पी और कम्फर्टेबल फील करते हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स लर्निंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। स्टूडेंट्स को कई तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है जो कि उनके स्कूल में सक्सेसफुल होने को चैलेंजिंग बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको कि एज ए टीचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परंतु हम स्टूडेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए मोटिवेट हो, उनका स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एज ए टीचर जॉयफुल टीचिंग के लिए क्या किया जा सकता है या बच्चों को मैथमेटिक्स सीखने के लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा अमूर्त विषयों को मूर्त वस्तुओं से संबंधित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अमूर्त क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है, और मूर्त वस्तुएं वो होती है जो कि दिखाई देती है। तो टीचर के द्वारा जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट सिखाए जाते हैं उनके लिए कोई मॉडल का यूज किया जा सकता है या कोई वस्तुएं दिखाकर स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझाया जा सकता है। विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए शिक्षक गणितीय खेल, पहेली, कहानी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बना रहता है। शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे कि चार्ट, फ्लैश कार्ड, ताश के पत्ते, वस्तुएं या प्रतिरूप आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गणित के लिए क्विज, वाद विवाद, कार्यशाला आदि की व्यवस्था शिक्षक द्वारा की जा सकती है। जब मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्विज करवाए जाते हैं, डिस्कशन करवाई जाती है या वर्कशॉप करवाए जाते हैं तो इससे भी बच्चों का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को महान गणितज्ञ के चित्र एवं जीवन इतिहास से संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक जीवन परिस्थितियों को गणित से संबंधित कर सकते हैं। जो गणित के सिद्धांत बताए जाते हैं उनका क्या प्रयोग है ये भी टीचर के द्वारा बताया जाना चाहिए। टीचर विद्यार्थियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। विद्यार्थियों के कलात्मक प्रदर्शन में शिक्षक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सभी कारक गणित के शिक्षण अधिगम को आनंदपूर्ण दिशा की ओर मोड़ते हैं। जब इन सब का यूज किया जाता है तो टीचिंग को जॉयफुल टीचिंग में चेंज किया जा सकता है। इन कारकों को केवल शिक्षक के योगदान द्वारा ही अभ्यास में लाया जा सकता है।
अतः गणित के शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका को बहुमुखी होना चाहिए। इस वीडियो में हमने जॉयफुल टीचिंग को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।